अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल चेंज वर्ड विद हार्ड वर्क। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि मैम हमें कोई सैंपल दिखाएं, असाइनमेंट अगर हमने कोई भी बनानी हो, किसी भी टॉपिक पे बनानी हो तो वो किस तरह से बनाएं। तो मेरे सामने एक सैंपल है जो मैं यहाँ पर शो करना चाह रही हूँ। अगर आप कोई भी असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको टीचर ने असाइन किया है, तो स्पेसिफ़िकली ऐसा होना चाहिए कि आप उस टॉपिक पर थोड़ी सी सर्च करें, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट वो चीज़ नहीं करनी। तो मैं अभी असाइनमेंट आपको शो करती हूँ कि किस तरह से आपको असाइनमेंट अटैम्प्ट करनी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और वीडियो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले आपने एक आउटलाइन बनानी है। टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इसकी आउटलाइन मैंने बनाई, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वैल्यू, यानी जितनी भी आपके कॉन्टेंट्स हैं आपने एक आउटलाइन में उन्हें रिप्रेजेंट करना है। आप देख रहे हैं इसको, एंड नाउ यू कैन सी हेयर इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने एक ऑथर की डेफिनेशन ऐड की हुई है ताकि हम इसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यू कैन सी हियर आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा नीटनेस लेकर आओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। देख सकते हो इसमें थोड़ी सी सर्च ज़्यादा है, लेकिन आप इसको अकॉर्डिंग टू योर टीचर इंस्ट्रक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टोटल असाइनमेंट जो है वो किस तरह से बनाई हुई है। ये एक ट्यूटोरियल था, एक सैम्पल था, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने असाइनमेंट बनाई हुई है। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इसमें मैटर कर रही है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, और उसके बाद ग्लोबल वॉच भी इन्होंने बताया हुआ है, यानी ग्लोबली किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये याद तो करने वाले नहीं होते फिगर्स, तो असाइनमेंट में ये ज़्यादा बेटर रहते हैं। ये एक थेरी है, एम्प्लॉयमेंट थेरी, जिसको एक स्केच के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। एडवेंटेजेस और डिसएडवेंटेजेस, और ये लास्ट पे आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस भी किया हुआ है, शॉर्ट सा कंपैरिजन बताया हुआ है। आपको ये सैम्पल पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसमें से कोई ना कोई नॉलेज तो गैदर किया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।